चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के मिंटो रोड पर बारिश का पानी भरने से काफी परेशान लोग नजर आए हैं और जायजा लिया हमारे सहयोगी तरुण कालरा। मेरे पीछे जो तस्वीरें मैं दिखाने वाला हूं वो किसी भी दिल्ली वाले को पसंद नहीं आएंगी, उन्हें शर्म आएगी इस बात को लेकर कि उनकी दिल्ली ऐसी हो गई है। देखिए मेरे पीछे तस्वीरें, कुछ साल पहले हुआ करता था जब न्यूज़पेपर के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइन बना करती थी कि मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे अंडरब्रिज के नीचे बस डूब गई है, ये सालों पुरानी बात थी। लेकिन आज की डेट याद कर लीजिए, 13 जुलाई 2018 डेट याद कर लीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी हैं जो दिल्ली को शर्म करने के लिए मजबूर कर देंगी। दिल्ली वाला जो अपने विकास के लिए जाना जाता था, किसी भी दूसरे शहर में जाता था तो बताता था कि ये मेरा शहर फ्लाईओवर का शहर है, मेट्रो का शहर है, बड़ी बड़ी सड़कों का शहर है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं हुआ करती। लेकिन ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी तो केजरीवाल सरकार को सीधे जिम्मेदार क्यों ना ठहराए, यहाँ पर कोई भी सरकारी अमला यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ है। एक नहीं बल्कि 3 बसें पानी के अंदर लबालब भरी हुई हैं। एक बस के दो नाक तक पानी आ चुका है। हुआ ऐसा था कि बस गुजर रही थी, हल्की वाटर लॉगिंग थी, लेकिन बस एकाएक पानी के संपर्क में इंजन आने के कारण इंजन ठप हो गया, सवारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। लेकिन वाटर लॉगिंग धीरे धीरे बढ़ती गई, शायद लोगों को लगा था कि ये बस रुक गई है लेकिन हमारी क्रॉस हो जाएंगी। इसी के चलते 2-3 बसें और इस अंडरपास से गुजरने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो भी पूरी तरह से जाम हो गई। और यहाँ पर पिछले करीबन 1 घंटे से ये तस्वीरें एक तरह से दिल्ली वालों के लिए शर्म का एहसास जरूर करा रही होंगी और कह रही होंगी कि थोड़ी ही बारिश हुई थी मानसून की और सरकार की कलाई जो कागजों के ऊपर बहुत मजबूत थी, विपक्ष दावे करता आ रहा था कि 70% दिल्ली के नाले साफ नहीं हुए हैं, लगता है कि वो जो आरोप विपक्ष के थे वो बिल्कुल सही हैं। केजरीवाल सरकार आरोप प्रत्यारोप के अंदर ही मसरूफ रही और दिल्ली वाले इस तरह से जाम झेलने के लिए, इस तरह की वाटर लॉगिंग झेलने के लिए मजबूर हुए। क्या तस्वीरें ये पूरे दुनिया के अंदर दिल्ली की साख बना पाएंगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग सेल्फीज ले रहे हैं। ये तस्वीरें यहीं तक सीमित रही नहीं रहेंगी, ये तस्वीरें वायरल होंगी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ना जाने किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये तस्वीरें शेयर की जाएंगी और बताया जाएगा कि देखिए केजरीवाल सरकार का जो विकास विज्ञापनों के अंदर छपता है उसकी हकीकत दिल्ली के अंदर इस तरह से थोड़ी सी ही बारिश खोल देती है। लबालब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जोखिम भरा रह सकता है अगर कोई भी उस नाले को साफ करने के लिए जाएगा या मोटर लगाने के लिए जाएगा। यहाँ पर कोई भी सरकारी अमला मौजूद नहीं है। वो 20 साल पुरानी तस्वीरें थी मिंटो रोड के फ्लाईओवर के नीचे जो सड़क के अंदर इस तरह से बारिश के कारण बस रुक गई थी, वो तस्वीरें आज दशकों बाद फिर से देखने के लिए मिली हैं जो बहुत शर्मनाक है। कैमरामैन मनोज के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में जोरदार बारिश से कहीं राहत तो कहीं लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। जैसा लिया हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने। साल के बाद दिल्ली में आज चारों तरफ बारिश ही बारिश है, सड़क पर काफी जलभराव हो गया है और उसका असर दिल्ली सचिवालय में भी दिख रहा है। दिल्ली सचिवालय में उस वक्त हम एंट्री गेट पर करें, गेट नंबर 6 से घुसने का रास्ता है और जैसे कि पूरे रास्ते का ये रास्ता जो सीधे सचिवालय के भीतर जा रहा है और जहाँ देखते हैं कि पूरा जलभराव हो गया, यहाँ भी पानी नहीं निकल पा रहा। इस तादाद में बारिश हुई है, जो निकलने वाले लोग हैं वो या तो पानी में चलकर बाहर जा रहे हैं या फिर उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है कि बारिश कुछ धीमी हो तभी वो निकलकर बाहर जा सके। चारों तरफ देख सकते हैं कि नज़ारा बिल्कुल यही है कि पानी लगातार भर चुका है, वो परेशान है और बारिश का पानी किस हिसाब से सचिवालय में निकलना चाहिए उस हिसाब से पानी निकल भी नहीं पा रहा। काफी लोग यहाँ बैठे हैं जो इंतजार कर रहे हैं बारिश खत्म होने का। ये बारिश का पानी यहाँ भी भर गया, क्या निकल नहीं पा रहा, क्या लगता है? बारिश हुई है काफ़ी दिनों बाद, दिल्ली में बारिश हुई है तो उसका लुत्फ ले रहे हैं और दिल्ली सचिवालय में बैठ करके लेने की अलग ही बात नहीं, लेकिन यहाँ भी पानी भर गया सचिवालय में भी। इसीलिए तो बैठे हुए हैं, अगर बाहर निकलेंगे तो गीले हो जाएंगे, नीचे उतरेंगे तो भीग जाएंगे, जूता ही भीग जाएंगे। नहीं, सचिवालय में तो पानी नहीं जमना चाहिए था कम से कम। हाँ देखिए, ये थोड़ी बहुत व्यवस्था होनी चाहिए, पहले बारिश का मानसून सत्र चल रहा है उससे पहले नालियाँ वालियाँ साफ हो जाती थी। क्यों मैडम, लग रहा है कि यहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए था? 2:30 बजे से हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे जाने का, 2:30 बजे से हम लोग बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं, अभी तक पानी कम नहीं हुआ, सीधा पानी पानी कर रहा। अच्छा, कुल मिलाकर देख सकते हैं कि चारों ओर पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है, इंतजार इसी बात का है कि बारिश खत्म हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तैयारियां भी साफ तौर पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर नालों की सफाई कैसे की गई, किस आधार पर की गई,
की हिसाब से की गई कि बारिश होते ही सचिवालय के भीतर भी पानी जम गया है, जहां भी जलभराव हो गया है यहां से भी पानी नहीं निकल पा रहा। दिल्ली सचिवालय से विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। तो दिल्ली में बारिश क्या हुई, चारों तरफ जलभराव की स्थिति हो गई। लोग जहां गर्मी से तो राहत मिल रही लेकिन परेशानी भी जलभराव की वजह से उठानी पड़ रही है। जैजलिया हमारे सहयोगी विनय सिंह ने। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली में भी मानसून ने दस्तक दे दी है और बरसात जो है दिल्ली में वो शुरू हो चुकी है। अक्षरधाम मंदिर के पास का ये नजारा है और देख सकते हैं कि किस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है और बादल इतने ज्यादा छा गए हैं कि दिन में ही अंधेरा हो गया है और गाड़ियों को अपनी जो हेडलाइट है वो चला के जलाना पड़ रहा है क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा हो गया है और इंडिकेटर और जो हेडलाइट है उनका प्रयोग यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा है, मूसलाधार बारिश है और लगातार क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जिस तरह से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी और लगातार दिल्ली के वासियों को परेशानी हो रही थी इस गर्मी से, उस गर्मी से निजात दिलाने के लिए ये बरसात जो है काफी अहम रोल अदा करेगी और दिल्ली वालों को जिस बरसात का इंतजार था वो दिल्ली में शुरू हो चुकी है। कैमरामैन सुधीर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज दिल्ली।